अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कोर्स सीकर्स। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के बारे में। हम देखेंगे कि अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या हैं, उनको किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं। इससे पहले हम पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म को इन डेप्थ देख चुके हैं, एंड व्हाट आर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट इन हाइटेंस एंड मच मोर। ठीक है, सो अब देख लेते हैं अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या हैं। अब्स्ट्रैक्शन इज अनदर कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ही एक ये कॉन्सेप्ट हुआ अब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, जिसके अंदर हम क्लासेस बनाते हैं, सेम लाइक वी क्रिएट क्लासेस, सिंपल क्लासेस, लेकिन उसमें हम कुछ ऐसे मेथड्स डिफाइन कर देते हैं जिनकी हम डेफिनेशन सिर्फ और सिर्फ उसकी ड्राइव क्लासेस में ही करते हैं। सो दिस इज सम कॉन्सेप्ट दैट इज लिंक टू द इनहेरिटेंस। ठीक है, इनहेरिटेंस हुई होगी। ठीक है, अगर एक क्लास एब्स्ट्रैक्ट है तो इट मीन्स कि उसको कोई दूसरी क्लास इनहेरिट करेगी तो ही वो उस क्लास का कोई पर्पस होगा और वो यूज हो सकती है, एल्स दैट इज यूजलेस। ठीक है, सो दिस कॉन्सेप्ट इज लिंक टू इनहेरिटेंस। ऑलवेज रिमेंबर दैट यू कैन नॉट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ये एक ऐसी क्लास होती है, मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लासेज वो क्लासेज होती है जिनका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, वो बेस क्लासेज जिनका हम एब्स्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, और ये हमेशा एब्स्ट्रैक्ट क्लासेज हमेशा बेस क्लास ही होगी। ठीक है, एंड इट कैन have abstract methods which are merely declaration without any implementation. Implementation of body of the program will be in its derived class. ठीक है, जो इसके अंदर methods define किए जाते हैं उनकी definition इनके derived class के अंदर ही होती है। अब हम आते हैं actually practice की तरफ, क्योंकि practical करते हुए ही आपको actually इस concept की समझ आएगी। तो last हमने अपने polymorphism वाली video के अंदर जो example की थी, मैं उसी को continue करूँगी। in case you have not learned वॉच दैट वीडियो, तो आप वो वीडियो देखें और इस कोड को कर लें, या फिर मैं ये कोड अपलोड कर दूंगी और अपनी वेबसाइट पे, और उसका लिंक आपको दे दूंगी जिधर से आप इस कोड को गेट करके तो इसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले मैं ये कोड, इसका जो ड्राइवर प्रोग्राम है, इसको यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। ठीक है, और अभी तक जो हमने सिंपल हमने स्नैरियो क्या क्रिएट किया था, हमने एक शेप क्लास बनाई थी, हमने एक रेक्टेंगल क्लास बनाई थी और एक स्क्वायर क्लास बनाई थी। रेक्टेंगल और स्क्वायर क्लास एक्चुअली शेप क्लास को इनहेरिट कर रहे थे। ठीक है, तो फिलहाल ये सिंपल शेप क्लास भी सिंपल ही है। सो आप देखें कि मैं यहाँ पे शेप क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाती हूँ। ठीक है, तो इट डजंट क्रिएट एनी इशू। ठीक है, इसने मुझे कोई भी एरर नहीं दिया, सिंपली ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं एब्स्ट्रैक्शन की तरफ। हम अपनी शेप क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाएंगे। ठीक है, तो इसका सेंटेक्स क्या है, हम पब्लिक के बाद एक एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिख देते हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट इज अ कीवर्ड, ये लिख दें जिस क्लास के साथ, दैट मीन्स कि वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट है। ठीक है, उसके बाद अब हम इसके अंदर एक फंक्शन, आप देखें इसके अंदर तो सिर्फ कंस्ट्रक्टर हैं, सिर्फ कंस्ट्रक्टर और प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, और कुछ भी नहीं है इस क्लास के अंदर फिलहाल। लेकिन जो हमारी रेक्टेंगल और स्क्वायर क्लास थी वो शेप क्लास को इनहेरिट कर रही थी। ठीक है, और इन दोनों के अंदर एक फंक्शन था, दैट इज एरिया। ठीक है, वो मैंने सिर्फ इन दोनों के अंदर इसलिए बनाया था क्योंकि शेप क्लास को बनाने का पर्पस नहीं था शेप क्लास में उसको। और आप वैसे भी देखें तो शेप क्लास एक ऐसी क्लास है जिसका हमें ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। रियल लाइफ में भी आप देखें तो खाली शेप कुछ नहीं होता, शेप आपके पास हमेशा किसी ना किसी टाइप की होगी, वो रेक्टेंगल होगा, स्क्वायर होगा, ट्रायंगल होगा, या सर्कल होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, हेक्सागन हो सकता है, एंड मच मोर। ठीक है, इट्स अ शेप इज नथिंग, इट इज आइदर ट्रायंगल, इट इज आइदर रेक्टेंगल, सर्कल, एंड सो ऑन। तो इस वजह से हमने इसके अंदर टू स्ट्रिंग के मेथड को भी डिफाइन नहीं किया था। टू स्ट्रिंग का तो चले वो बिल्ट इन है, तो दैट इज अनदर केस, लेकिन हमने एरिया को इसके अंदर डिफाइन नहीं किया था। लेकिन एक एरिया एक ऐसा फंक्शन है जो कि इसकी हर चाइल्ड क्लास के अंदर इम्प्लीमेंट होना चाहिए, आइदर दैट इज सर्कल और स्क्वायर और रेक्टेंगल। ठीक है, तो अगर मैं इसके अंदर इसको डिफाइन नहीं करती, ठीक है, और इस ऐसी क्लासेस में चाहती हूँ कि जो क्लासेस इसको इनहेरिट करेंगी वो लाजमी अपने अंदर एरिया को डिफाइन करें। ठीक है, तो मैं इस चीज़ को श्योर कैसे कर सकती हूँ, इसको मतलब लाजमी करना है इस चीज़ को कि लाजमी क्रिएट हो, वरना एरर आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, अपनी शेप क्लास को वर्चुअल बना के इसके अंदर हम एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन एक क्रिएट कर देंगे। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन क्रिएट करने के लिए भी हम एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड यूज़ करते हैं, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट, और उसके बाद हम अपने फंक्शन की डिक्लेरेशन कर देते हैं
एरिया का फंक्शन जो कि रिटर्न करेगा डबल टाइप का, कुछ पैरामीटर्स कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसके अंदर क्या होगा ये अब हर क्लास ने खुद से डिफाइन करना है। रेक्टेंगल का फॉर्मूला, एरिया फाइंड करने का फार्मूला अलग है, स्क्वायर का अलग है, सर्कल का अलग है, ट्राइंगल का अलग है। सो इट इज़ अप टू देम, अप टू दोज क्लासेस के वो इसको कैसे डिफाइन करती हैं। ठीक है, सो शेप क्लास के अंदर इटसेल्फ इसकी कोई डेफिनेशन नहीं हो सकेगी, इसलिए मैंने इसके आगे कुछ भी नहीं किया, कर्ली ब्रैकेट्स लगा के इसकी डेफिनेशन नहीं की, हम सेमी कॉलन लगा देते हैं, सिर्फ ये डिक्लेरेशन होती है। जब हमने ये लाइन लिख दी ना, इट मीन्स कि अब इस वो सारी क्लासेस जो इसको इनहेरिट करेंगी शेप क्लास को, उनके अंदर लाजमी हो जाएगा कि वो एरिया को डिफाइन करें, ठीक है, एरिया की डेफिनेशन करें। ठीक है, अब फिलहाल हमने अपने लास्ट प्रोग्राम में स्क्वायर और रेक्टेंगल के अंदर डेफिनेशन की थी, लेकिन इसके बावजूद उसने मुझे ये रेड लाइन देना शुरू कर दिया जैसे ही मैंने ये लाइन डिक्लेयर किया। ये क्यों? क्योंकि जब वो फंक्शंस जो हम एक क्लास अपने ड्राइव क्लास अपनी पेरेंट क्लास से लेके डिफाइन कर रही होती है अपने अंदर, उनके साथ एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड लगना जरूरी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड लगा दिया जिसने ये बता ओवरराइड। ठीक है, ड्राइव क्लास के अंदर ओवरराइड लगेगा, पेरेंट क्लास जो कि मेरे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, उसके अंदर डिफाइन करते हुए एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड लगाया। ठीक है, नोट दैट ड्राइव क्लास के अंदर ओवरराइड का कीवर्ड है, पेरेंट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड है। ओके, तो स्क्वायर के अंदर भी इसी तरह से हम अपने एरिया के फंक्शन को ओवरराइड के साथ लिख देते हैं। ठीक है, अब इसको पता है कि ये जो एक्चुअली इसके पेरेंट के अंदर डिफाइन था फंक्शन, वो ये डिफाइन कर रहा है। अब अगर मैं इसको रिमूव कर देती हूँ ना इसको, तो अभी ये मुझे एरर देगा इस क्लास के अंदर, और आप देखें कि एरर क्या दे रहा है, स्क्वायर डज नॉट इम्प्लीमेंट इनहेरिटेड एब्स्ट्रैक्ट मेंबर शेप डॉट एरिया। तो मतलब स्क्वायर ने जो इनहेरिट किया हुआ शेप से अपना एब्स्ट्रैक्ट मेथड एरिया, वो इसको इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहा। ठीक है, तो इम्प्लीमेंटेशन लाजमी हो जाती है जब हम एब्स्ट्रैक्ट बना दें। इनकेस लेट से आप ये कोड अपना डिप्लॉय करते हैं, ओपन सोर्स कर देते हैं कि कोई भी आपके इस कोड को यूज करते हुए सारी शेप्स को डिफाइन कर सके। ठीक है, तो आपने इधर दो ही शेप्स डिफाइन की हैं, आप अब कोई इसको प्रोजेक्ट को यूज़ करता है और वो इसके अंदर सर्कल का ऐड करता है शेप, तो ही मस्ट भी, मतलब उसको लिए ये लाजमी हो जाएगा कि वो इस एरिया को, उसके अंदर एक एरिया का फंक्शन ज़रूर डिफाइन करे जिसके अंदर फिर एरिया ऑफ सर्कल डेफिनेटली वो लिखेगा कोड, तो ये फिर मस्ट इनकी इम्प्लीमेंटेशन मस्ट हो जाती है। ठीक है, तो मेरे पास अब ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई। ठीक है, और इसकी चाइल्ड क्लासेस में इसके एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन की डेफिनेशन भी हो गई। ठीक है, तो अब आते हैं हम मेन की तरफ कि इसका ड्राइवर प्रोग्राम कैसे बनाना है। अब देखें कि यहाँ पे मेन में हम शेप क्लास का अब एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, तो वो मुझे एरर देगा, यू कैन नॉट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट या इंटरफेस का आप ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। इंटरफेस क्या है वो हम इससे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो अभी के लिए ये देखें कि इसने मुझे इधर एरर दे दिया। ठीक है, क्योंकि शेप क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, शेप इटसेल्फ इज नथिंग, जिन क्लासेस ने इसको इनहेरिट किया हुआ है उन्हीं का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं आप। ठीक है, तो अब हम उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाने की बजाय हम ना लिस्ट बना लेते हैं, एक शेप टाइप की लिस्ट। ठीक है, ताकि हमारा लिस्ट का कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाए और आपको पता चले कि लिस्ट हम एक्चुअल में कब, जब रियल लाइफ में हम सिनेरियो को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं तो हम लिस्ट को किस तरह से यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो मैंने ये देखें लिस्ट का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, वही लिस्ट का कीवर्ड है, एंगल ब्रैकेट्स के अंदर मेरी डाटा टाइप है। पहले हम इंटीजर को की लिस्ट बना के, हमने लिस्ट के टॉप वाली वीडियो में लिस्ट को एक्सप्लोर किया था, इधर हम शेप के साथ करेंगे। ठीक है, अब ये जो है ना ये सिर्फ एक लिस्ट है, इसने कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया लिस्ट का। ठीक है, इट विल, हमने ऑब्जेक्ट्स अभी इस लिस्ट के अंदर ऐड करने हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स हम किस तरह के ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, जिस तरह की इसकी उन क्लासेस के जो इसको इनहेरिट करनी है, दैट इज स्क्वायर या रेक्टेंगल। तो ये लिस्ट अपनी ड्राइव क्लासेस वाले ऑब्जेक्ट्स को अपने अंदर ऐड कर सकती है। ठीक है, सो हम यहाँ पे अब क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल क्लास का ऑब्जेक्ट बना देते हैं, रेक्ट वन इज इक्वल्स टू न्यू रेक्टेंगल 4 5। ठीक है, लिख लिया, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट बन गया, इस तरह से मैं कॉपी कर रही हूँ। ठीक है, रिएक्ट टू, उसके बाद मैं स्क्वायर के बना लेती हूँ, स्क्वायर या इसको स्क्वायर रखती हूँ। ठीक है, तो इसी तरतीब देख लेते हैं हम, एस क्यू वन स्क्वायर जिसका साइज सिर्फ 4 हो, उसके बाद फिर एक और स्क्वायर है, स्क्वायर टू,
ठीक है, स्क्वायर जिसका साइज मैं कह रही हूँ कि 5 है, उसके बाद रेक्टेंगल आर रिएक्ट 2 जिसके लिए मैं साइज दे रही हूँ 6 और 7, ठीक है। अब मैं इन चारों शेप्स को अपनी शेप्स इस लिस्ट के अंदर ऐड कर दूँगी ताकि जितनी भी शेप्स क्रिएट हों वो सारी की सारी इस लिस्ट में आ जाएं, ठीक है। तो शेप डॉट ऐड रिएक्ट 1, ठीक है, शेप्स डॉट ऐड रिएक्ट 2, शेप्स डॉट ऐड SQ1, ठीक है, शेप्स डॉट ऐड SQ2, स्क्वायर 2, ये सारी शेप्स मेरे पास इस शेप क्लास के अंदर ऐड हो गई थी, ठीक है। मैंने लिस्ट बना ली एक पेरेंट क्लास की, बेस क्लास की, और उसके अंदर उसके सारे ड्राइव क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स डाल दिए हैं, ठीक है। सो हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट तो नहीं बना सकते, लेकिन उसकी लिस्ट बना सकते हैं जो उसके सारे चाइल्ड्स को होल्ड करती हुई, ठीक है, या उसके चाइल्ड क्लासेस के वैसे भी ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, ठीक है। और ये इसलिए है कि एक्चुअली तो सारी की सारी शेप्स ही हैं ना, सो समटाइम्स वी डोंट हैव एनी कंसर्न कि हमारी शेप क्या है, या आप शेप्स वाले सिनेरियो में आपको इस चीज़ की इतनी समझ नहीं आ रही होगी, तो इस सिनेरियो से तो आपको इस चीज़ की इतनी अच्छे से समझ नहीं आएगी, लेकिन आप जब रियल लाइफ में लेट्स से आप कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई सिस्टम बना रहे हैं जिसके अंदर आपने उसके एम्प्लॉयज़ को मैनेज करना है, लेट्स से इट्स अबाउट द यूनिवर्सिटी सिस्टम, ठीक है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं, आपके पास क्लर्क्स होंगे, आपके पास जो है ना टीचिंग स्टाफ होगा, नॉन टीचिंग स्टाफ होगा, आपके पास एडमिन स्टाफ होगा, तो डिफरेंट हमारे पास एम्प्लॉयज़ की टाइप आ जाती हैं, ठीक है। एम्प्लॉयर सेल्फ कुछ भी नहीं होगा, हर एम्प्लॉय किसी ना किसी सब कैटेगरी से बिलोंग कर रहा होगा, तो सब कैटेगरीज उसकी जो होंगी कि आइदर ही इज अ टीचर और नॉन टीचर और एन ए क्लर्क, तो वो उसकी जो है ना ड्राइव क्लासेस हो जाएंगी। एम्प्लॉय क्लास को आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास के तौर पर डिफाइन कर सकते हैं, और उसके इसमें फिर लेकिन आपके पास जो लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ होगी उस टाइप पे ये कंसर्न नहीं हमारे पास होता ना कि वो क्लर्क है या क्या है, तो वो लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ ही बनेगी, और उसके अंदर फिर आप क्लर्क भी ऐड कर देंगे और दूसरे भी। सो एक्चुअली उस सिनेरियो में आपको जो है ना ये चीज़ इम्प्लीमेंट होती है, ठीक है, लेकिन हम इसी के साथ कर रहे हैं। सो आई होप इसके साथ भी आपको समझ आ रही होगी। अच्छा, ये कर दिया। अब हम एक लूप लगा के ही चाहते हैं कि जितनी भी शेप्स हैं वो सारी की सारी प्रिंट हो जाएं। हम एरिया को कैलकुलेट जो कर रहे हैं दैट इज़ ए सेपरेट केस। मैं क्या करती हूँ कि जो टू स्ट्रिंग का मेथड है ना उसके अंदर मैंने क्या किया हुआ है, पहले मैं लेंथ की वैल्यू को प्रिंट करवा रही हूँ, तो मैं लेंथ की बजाय यहाँ पे सिर्फ लिख देती हूँ स्क्वायर, ठीक है, टू स्ट्रिंग के थ्रू पता चल जाए हमें कि शेप एक्चुअली है कौन सी, ठीक है। और ट्राइंगल रेक्टेंगल के थ्रू भी के अंदर भी मैं हाल ही लिख देती हूँ, ये रहा, मैं लिख देती हूँ रेक्टेंगल, ठीक है। तो कि जब टू स्ट्रिंग का फंक्शन कॉल हो तो हमें पता चल जाए कि शेप एक्चुअली है कौन सी, किस स्पेसिफिक टाइप से है, ठीक है। उसके बाद मैं फॉर ईच लगाऊंगी, फॉर ईच शेप एक्स इन शेप्स, ठीक है, शेप एस, ये फॉर ईच का सेंटेक्स है। आई होप अगर आप सारी सीरीज को फॉलो करते हुए आ रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से क्लियर होंगी कि लिस्ट क्या है, लिस्ट को किस तरह से बनाते हैं, उनके अंदर एलिमेंट्स किस तरह से ऐड करते हैं, और जो है ना कौन सी किस तरह से ऐड करते हैं, उनको किस तरह से आइट्रेट करते हैं, फॉर ईच क्या है, एंड सो ऑन, एवरीथिंग विल बी, यू ऑलरेडी विल बी नोन टू दैट, ठीक है। तो अब एस डॉट टू स्ट्रिंग हम कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमें नाम पता चल जाए जोन से भी शेप आ रही है वो, और उसके अलावा एस डॉट एरिया कॉल कर देते हैं, ठीक है। तो जोन से भी शेप होगी उस स्पेसिफिक शेप का एरिया का फंक्शन कॉल होगा और एरिया कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा आप ये कर सकते हैं, इसी को मैं अगेन कॉपी करती हूँ, और मैं चाहती हूँ ये वाला, ये तो मुझे सारी लिस्ट दिखाई देगा ना, मैं चाहती हूँ कि सिर्फ वो वाली शेप्स प्रिंट हो जिनकी जो है ना जो स्क्वायर है, स्क्वायर शेप्स सिर्फ प्रिंट हो, तो उस केस में मैं क्या करूँगी। तो अब अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ हमारे वो वाली शेप्स प्रिंट हो जो रेक्टेंगल टाइप की हैं, तो उस केस में हमें कैसे पता चलेगा आपके इस शेप के अंदर सारी रेक्टेंगल टाइप की कौन सी थी, उनको सिर्फ प्रिंट करवाना है, तो वो हमारे पास हम एक कंडीशन लगा सकते हैं, इफ़ एस डॉट गेट टाइप, ठीक है, गेट टाइप आपके पास एक बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है, वो जो हमें रिटर्न करता है हमारे ऑब्जेक्ट की टाइप, अगर वो इक्वल है, वो किस टाइप का है, रेक्टेंगल टाइप का है, ठीक है, टाइप ऑफ का फंक्शन, टाइप ऑफ रेक्टेंगल, अगर ये हमारे पास रेक्टेंगल टाइप का है, जो इसने टाइप रिटर्न की है वो रेक्टेंगल टाइप की है, टाइप ऑफ एक फंक्शन है जिसके ब्रैकेट्स में हम देंगे अपना
डेटा टाइप जिसके साथ हम कंपेयर करना चाहते हैं कि गेट टाइप ने कंपेयर किया रिटर्न किया, अगर वो रेक्टेंगल टाइप का है तो उसका ये सिर्फ प्रिंट करवा दो, ठीक है। ये सारी प्रिंट करवा रहा है और ये सिर्फ रेक्टेंगल टाइप की प्रिंट करवा रहा है करवाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम फिल्टर्स भी अप्लाई कर सकते हैं अपनी लिस्ट के ऊपर, ठीक है। लाइक आपके पास एक लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ है 100+ है, आप उसमें से सिर्फ टीचिंग स्टाफ को देखना चाहते हैं, ठीक है, तो आप जाना या क्लर्क्स को देखना चाहते हैं, तो इस तरह से आप उनकी क्लास के नेम के साथ उनके ऊपर फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आप देखें, मैंने 4 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए थे, 2 रेक्टेंगल 2 स्क्वायर, तो पहले वाली फॉर ईच लूप ने मुझे वो प्रिंट करवा दिए, उनका नाम आ रहा है टू स्ट्रिंग के फंक्शन के थ्रू और आगे एरिया आ रहा है एरिया को कॉल करने के थ्रू, ठीक है। 4 5s पहले रेक्टेंगल का साइज था 4 × 5 4 5s = 20 एंड देन दूसरे रेक्टेंगल का था 6 7 तो 6 7s = 42 और स्क्वायर में 4 का स्क्वायर 4 4s = 16 एंड 5 5s = 25। तो ये देखें एरिया अपने वो एरिया के पास जा रहा है, हालांकि सबको मैंने शेप के अंदर डाला हुआ है और उसको के थ्रू कॉल कर रही हूँ एरिया, लेकिन ये ऑटो डिटेक्ट कर रहा है कि ये शेप कौन सी थी उसके पास जा रहा है और उसके एरिया को कॉल कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा ये दोबारा उसने रेक्टेंगल मुझे प्रिंट करवाया है मेरी दूसरी फॉर ईच लूप की वजह से, ठीक है, जिसके अंदर कंडीशन लगाई हुई है। आई होप कि आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस की भी समझ आ गई होगी, उसका पर्पस समझ आ गया होगा और साथ ही आपको ये कस्टम लिस्ट जो हम अपनी क्लासेस की बनाते हैं उनको किस तरह से यूज़ करते हैं ये चीज़ें भी समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इंटरफेसेस के बारे में पढ़ेंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन ड्रॉप इट इन कमेंट सेक्शन एंड यू कैन फॉलो मी ऑन माई सोशल्स इफ यू लाइक दिस वीडियो। आई पोस्ट अ लॉट ऑफ कॉन्टेंट देयर एज वेल रिलेटेड टू सी शार्प एंड द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। माई इंस्टाग्राम एंड फेसबुक लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। ओके, अल्लाह हाफिज़।